अगर कोई यात्री यहाँ पे चले गया ना, उसका बचना तो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अरे डर लगता है मेरे को ऐसे लोग देखने से यार, कसम से। ऐसे और एक दो दिन पानी देगा तो ये ब्रिज पूरा डूब जाएगा, देखो भाई साहब। अरे ये डूब गया क्या? हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल सभी के, फिर से स्वागत है आपको और एक न्यू वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, जस्ट नाउ आया अलीगढ़ से। माँ कसम इतना गंदा रेल था ना भाई, इस ट्रेन पे मैं और नहीं सफर कर रहा। और कैसा एक्सपीरियंस भाई? बैलगाड़ी। अरे भयंकर यार, जाता है 200 मीटर नहीं सॉरी 20 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर से रुक जाता है। अपना उससे अच्छा तो अपना साइकिल है भाई, और जब रुक जाता है ना, अपना दिल का धड़कने भी हम शांत कर देते हैं, मुंह से गाली निकलता है। लेकिन क्या कहते, ट्रेन जब ले आएगा तभी तो हम आ पाएंगे। और आगे है हमारे भोलेनाथ का स्टैचू, देखो कितना प्यारा लग रहा है, माँ कसम यार ये व्हाइट वाले। फिर से हम जा रहे हैं केदारनाथ, अमरनाथ का तो दर्शन आप लोगों को करा नहीं पाया क्योंकि यार बंद होने का संभावना था, और पटना से अमरनाथ का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा था भाई साहब, बता रहा हूँ ना, 2100 किलोमीटर मुझे और जाना था। कल मुझे पता चला कि नहीं, फाइनली अमरनाथ बंद हो गया। महादेव का शायद से कृपया नहीं था कि मुझे अमरनाथ का दर्शन मिले। ये रशियन है क्या? ये रशियन है क्या भाई? हाँ, अरे रशियन हरिद्वार में आते भाई, ने रशियन देख लिया कलाकार, रशियन देख लिया। और ये रहे अपने भोलेनाथ, हर हर महादेव, कितना प्यारा लग रहा है। अबे जूते खोल के आजा। अरे क्या हो गया? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अकेला अकेला पी रखा है। आपको शेर से डर लगता है? अरे महादेव पास है, शेर से क्यों डर रहे? महादेव से बड़ा कोई ना है, है ना? ये तो बात सही कह रहे भैया, तुम विश्वास करने का। चल रहे, तू तो अंदर गया नहीं रे, चल निकल। अरे इधर को देख देख के जाना, बड़े डेंजर डेंजर लोग मिलते हैं। ले कलाकार पीछे पीछे क्यों जा रहा है तू? अरे हमसे जा, अरे इसको एक ने बोला कि चलो होटल या तो आपको रेस्टोरेंट में ले जाता है, ये बोलता है मेरे बैग में ही है सब चीज। अरे वो तेरे को पूछ नहीं रहा था कि चलो होटल या तो रेस्टोरेंट ले चलते है, तू बोल रहा था मेरे बैग में ही है। अभी फिलहाल मैं हुआ है हरिद्वार के मार्केट में, आगे की ओर जा रहा हूँ, हर की पौड़ी की ओर। यहाँ के लोग ऐसे है ना, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ पीछे में और दो दीदी आई है, इनको तो यार एक ऑटो वाला पकड़ ले रहा है, बोलते हैं नहीं चलो हमारे ऑटो में, जाना ही पड़ेगा। और दीदी भी बड़ी तगड़ी है, आपके साथ नहीं आते तो शायद हमें पता नहीं चलता यहाँ पे ये भी है, कसम से। ओ कितना प्यारा लग रहा है, वाव। हम आते रहते हैं हमेशा यहाँ पे, हमेशा जब भी आते हो तब भी? हम जब भी आते हैं ना, हाँ यहाँ पे जरूर आते हैं। मैं अभी देखिए 3 बार हरिद्वार आ चुका हूँ, बट पहली बार आ रहा हूँ यार, कितना प्यारा लग रहा है। नंदी दी ले, तेरे को पता है ना है कुछ, निकल तू ऐसे ही ट्रैवलर है भाई, तेरा कुछ काम ना है। बाकी काफी प्यारा लग रहा है, देखो पूरा ब्लू शेप में है, बेसिकली ये एक पार्क है। और ये देखो बंदर अंदर भी सामने है, ले आ जाए इनको, थोड़े चिढ़ाता हूँ, इनके साथ थोड़ा मजे लिया जाए, देखिए कुछ सीन उन बनता है क्या। अरे आ जा मामा, आ जा, ले आ जा, अरे आ जा, आ जा, ले आ जा, ओए अरे अरे मार रहा, मारपीट कर रहा, जा लो। अरे भयंकर सब लोग पीट देंगे मुझे, वो तेरी गैंग आ गई, ये देखो ये बहुत सारे हैं, फिर कोई गा रहा है ना यार, मेरे से ना पाएगा, कहीं पता चला पीट पाट दिया इन्होंने। अरे इधर भयंकर बंदर वगैरह है, गया सामने, मैं सोचा एक आएगा, कितने सारे लेके आ गए। ये डॉन है, ये मेन लीडर है, इसके पास से आता हूँ, ये भाग गया। अरे इतना बदसूरत शकल है मेरा, देख के भाग गया। ले भाई कितना बड़ा त्रिशूल है भोले बाबा का। कितना दूर है यहाँ से पहुँच गए इतना जल्दी? भाई ये लोग 50-50 रुपए ले लेते इतने में, ये लोग 50-50 रुपए ले लेते। हाँ, वो तो है। इनका काम क्या है? मस्ती करना है, मस्ती के अलावा कुछ ना करना। ये गंगा नदी, और आगे कितना प्यारा एक मंदिर है यार, पूरा रेड कलर का है। नीचे चले, ओ तेरी पानी का कितना हाई स्पीड है, अच्छा तो काफी ज्यादा लग रहा है। ओ माय गॉड, बहुत प्रभु बोलेंगे,
हम इसीलिए तो हम पैदल आते हैं, सारे लोग घूम घूम के जाते हैं तो बहुत अच्छा मजा आता है। यहाँ पे इधर को घुमा दो कैमरा, कितना अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं ना क्या करता हूँ उस साइड से हाईवे से जाके सीधा हर की पौड़ी में चले जाता हूँ, इस तरफ आता ही नहीं हूँ। इधर तो पानी बहुत ज्यादा हो गया, उधर चलो 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 चलो। अरे वो फोटो वाटो खींचने के लिए जगह है शायद। अरे साइन बोर्ड देख लो, कहीं पता चला 500 रुपए का चालान ना लग जाए। नहीं लग जाता है कहीं कहीं पे। इधर ये दीदी मेरा फोटो इधर खींच। काला काला है बादल। फोटो खींचने के चक्कर में गिर मत जाइयो श्री बाप। निकाल भी नहीं कोई पाएगा इस टाइम पे। अरे नहीं, जब वो है रस्सी वगैरह लगे है ना आगे। अरे तेरे को बड़ा आता है तैरना? आता है मेरे को। ले कलाकार खुद के दिखा दे। लो रहा पटाखा फट रहे है। इतने में खतरा। पानी का स्पीड देख के बोल रहा है ना हमसे ना हो पाएगा। डीजे का आवाज देख के डर गई। सिस्टम है ये तो। रे कलाकार किसको देखे जा रहा है इन दोनों को ही? ये मेन भोलेनाथ के भक्त है देखो, फॉरेनर्स। हमें भी अभी तिलक वगैरह लगाना पड़ेगा। रे जोर से आ गया बारिश, कहीं भी रुकना पड़ेगा भाई, रुकना पड़ेगा। क्या रेनकोट निकाल रहा है क्या तू? क्या निकाल रहा है? छाता। ये अच्छा चीज लाया, काफी प्यारा चीज लाया, मैं भीग जाऊंगा। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ले भयंकर इतना ज्यादा पानी है देखो यार। और हम मेन हर की पौड़ी में तो पहुंचे ना है, हर की पौड़ी वो ब्रिज के उस पार है। देखो ब्रिज दिखाई दे रहा है ऐसे, और भयंकर पानी भाई, भयंकर पानी। कुछ भी नहीं कर सकते आपके लक्ष्य, हर मुखी का अलग अलग फायदा होता है। गौरी शंकर पार्वती, ये इनके ये कपड़े खत्म हो जाएंगे कुछ देरों में, बूंदाबांदी चल रहा है। और यहाँ पे चेंजिंग रूम ना ज्यादातर गर्ल्स के लिए ही है यार, जेंट्स का तो है ही नहीं यार। वाह क्या सीन है, मजा आ गया ये देख के। और ये डिब्बा वब्बा है गंगा जल ले जाने के लिए, फूल वगैरह भी मिल जाएगा। और भयंकर नजारा है, बूंदाबांदी भी चल रहा है। ले बच्चे ये क्या कर रहे हैं मौत के साथ खिलावर? ओ माय गॉड, अरे ये डूब गया क्या? ले भाई साहब, ले आप सबोगे ये करने? क्या बोल रहा हूँ मैं, महादेव के लिए सबोगे करने? जाओ मैं एक ट्यूब ला के देता हूँ, इनके जैसे करो। भयंकर यार, ओ माय गॉड, कितना पानी का स्पीड है भाव है। वो नीचे से वो लोग ट्यूब लेके सीधा कूद जाते हैं यार, मानना पड़ेगा इनको। ए कलाकार तू सकेगा? तू सकेगा? रेत ट्यूब से नहीं डूबूंगा। अरे नहीं, कॉन्फिडेंस के बारे में बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए होगा ना, साहस। पहले डिमोटिवेट करवा दिया तूने। ओ माय गॉड, ये देखो पानी का भाव कितना ज्यादा है रे। अरे अभी शायद नीचे उतरने नहीं दे रहे पानी के, अभी शायद नीचे ऊंचे उतरने नहीं देंगे। ऐसे और एक दो दिन पानी देगा तो ये ब्रिज पूरा डूब जाएगा। देखो भाई साहब, मात्र कितना होगा, 5-6 फुट डिस्टेंस बचा है। और नहीं तो जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, ये पूरा एकदम डाउन तक था। और अभी बीच में भी उतरने को नहीं दे रहे लोगों को। ये साइड में जो बैरिकेड लगा है ना, बैरिकेड के अंदर ही नहाने दिन होगा सिस्टम है अभी। अरे डर लगता है मेरे को ऐसे लोग देखने से यार, कसम से। यार आगे से आ जाके देखता हूँ कुछ हुआ तो नहीं होगा। ओ माय गॉड, कैसे सोए हुए। ये सीन देख के मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। अगर कोई यात्री यहाँ पे चले गया ना, उसका बचना तो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। महादेव आप सिर्फ अपने बच्चों को ध्यान रखना, बहुत दूर दूर से आ रहे थे आपका दर्शन लेने के लिए। ओ माय गॉड, ये जो जगह है ना देख के डर लग रहा है यार। देखो कितना भाव है, ऐसे ऐसे हो रखा है भयंकर। माँ कसम, महादेव साथ देना आप। भाई साहब किधर से आ रखे हो? कानपुर। रामपुर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कावड़ यात्री लोग आ रखे हैं। लो भैया जी, हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। और ये कोई एक पुल है, ये सारा इतना पानी कैसे भर गया नहीं पता यार। आप लोगों को तो शायद पता ही होगा, उत्तराखंड में भी बाढ़ और काफी डेंजरस चल रहा है। ये देखो पेड़ पौधे वगैरह पूरा एकदम टुकड़ा कर लिए आ रखे हैं भयंकर यार।
तुम्हें डर लग रहा है? डर लग रहा है तेरे को भाई? खतरनाक मौसम देख भाई, पे ये हाल है, ऊपर क्या होगा ना पता, जाना तो है ही कुछ भी करके। लो जी भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऋषिकेश। ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पे एकदम पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बना पड़ा है। आगे हम लोगों को हॉल मिला है, हॉल में रुकेंगे आज। पहला दिन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और ये मेरा तीसरी बार होगा इसी साल में केदारनाथ जा रहा हूँ यार, माँ कसम बता रहा हूँ ना, जब केदारनाथ का नाम लेते हो ना मन को कभी संतुष्ट मिलता है। साथ ही आप लोगों को भी कराता हूँ केदारनाथ का दर्शन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर हिट कर देना, और आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज यार भाई साहब कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब। सो चलो बॉयज एंड गर्ल्स, जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।